के कार्यक्रम में पहले दो किताबों का लोकार्पण होना है, उसके बाद कविता पाठ। लोकार्पण के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित माननीय विश्वनाथ कर। जैसा कि आप जानते हैं, दो किताबों का विमोचन होना है, ज्ञानपीठ से प्रकाशित दो किताबों का विमोचन होना है। पहली किताब जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार मधु काकरिया जी की है, कहानी संकलन है युद्ध और बुद्ध, गीतकार कवि महेश जी की है, जिसके सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ मंचासीन से मधु काकरिया जी की किताब युद्ध और बुद्ध के विमोचन के लिए। जैसे उपन्यास कहानी संकलन आ चुके हैं, उनका ये ताजा कहानी संकलन ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है युद्ध और बुद्ध। इसके बाद जो विमोचित करनी है आज, वो अनूप अशेष जी का नवगीत संग्रह है, जिसका दिन जो पहाड़ के काफी वरिष्ठ नवगीतकार हैं। लौट आएंगे सगुन पंक्षी व मेरे गांव की हंसी थी, हम अपनी खबरों के भीतर सफर नहीं पाओ का सही कई। पाठ करना हम सभी को बहुत आदर के साथ सम्मानित कर रहा हूँ। सबसे पहले मंगेश जबराज जी, किसी का भी परिचय लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। मुझे लगता है कि ये वो कवि हैं जिन्होंने हिंदी के समकाल को समृद्ध किया है, ये वो कवि हैं जिनसे हिंदी का आज का पाठक पूरी तरह से परिचित है। कविता पाठ की श्रृंखला सीधे शुरू करते हुए मैं सबसे पहले मिथिलेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कविता संकलन आज और लगातार दिनों में सक्रिय। पहली कविता है संवेदनशील आधुनिक दोस्त। संवेदनशील आधुनिक दोस्त सेमर के फल की तरह किसी खराब मौसम में फटते हैं और रुई के फाये की तरह बीमार मित्र के फेफड़ों में आ बैठते हैं। कभी कभी वे बर्फ की तरह बीमार मित्र के चेहरे पर गिरते हैं और संपर्क के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मर्म भरी कविताएं लिखने वाले स्वस्थ दोस्तों की पहली जरूरत कविता लिखना ही है। वे इंतजार करते हैं रात के 11 बजने का, नींद से बोझिल आंखों के आगे असहाय समय में स्वस्थ दोस्तों की आबाद दुनिया से एक सुरीली आवाज आती है। अपनी हिफाजत में लापरवाही क्यों करते हो भाई, आदमी को अंत में हरा सवाल ही बचाएगा। और देखो बीमार दोस्तों के चलते स्वस्थ दोस्तों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। अचानक चुप हो जाता है। दूसरी कवि अगली कविता है हम में से हर एक का एक स्थाई पता है। लोग कहते हैं मैं जहां रहता नहीं हूं, जहां मेरी चिट्ठियां आती नहीं हैं, दादा या पिता के नाम से जहां मुझे जानते हैं लोग, अपना ही घर ढूंढने के लिए जहां लेनी पड़ती है मदद दूसरों की, पुश्तैनी जायदाद बेचने की गरज से ही जहां जाना हो पाता है, पिता को 2 गज जमीन दिल्ली के बिजली शवाह गृह में मिली थी, वह पता मेरा ही पता क्या हो सकता है। लेकिन हम में से हर एक का एक अस्थाई पता है।
जहाँ से हम उजड़े थे।